तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये है सोसो का घर और सोसो की माँ पानी भरकर आ रही है। सोसो के पापा जल्दी से मेरे सर से घघरा उतरवा लो वरना सारा पानी गिर जाएगा। हाँ हाँ रजनी अभी आता हूँ, वहीं रुकना, आना नहीं आगे। अरे भाई रजनी, मैंने घघरा यहीं रख दिया, अब तुम इसे ढक देना। हाँ हाँ सोसो के पापा आप चले जाओ, मैं इसे ढक देती हूँ अभी। दूध वाले भाभी जी, दूध वाले, दूध ले लो भाभी जी। मम्मी मम्मी दूध वाले चाचा आ गए, जल्दी से दूध ले लो। हाँ हाँ भाभी रुको अभी देता हूँ, ये लो भाभी दूध ले लो। और मैं ये कह रहा था कि आज जरा पैसों का हिसाब कर दो बच्चों के लिए, मुझे जरा सब साग सब्जी ले जाना है। भैया अभी लाती हूँ, पर सुनो जरा आजकल का दूध बहुत पतला आ रहा है। अरे भाभी कहाँ आ रहा है, सही है आप तो यूं ही लगी रहती हो। अरे नहीं भैया सच कह रही हूँ, अब तो मेरा मुन्ना भी नहीं पी रहा ये वाला दूध, कुल ये करता है वो। अरे भाभी देख लूंगा मैं, आपको दूसरी भैंस का दूध ला कर दूंगा। आप दूध तो मैंने रख दिया है, अब जरा जल्दी से पैसे दे देती हूँ भैया को, जल्दी से पैसे निकाल लेती हूँ संदूक में से, जल्दी से पैसे निकाल लेती हूँ। चलो चलो जल्दी चलते हैं पैसे देने। अरे भाभी जी ये तो 1 रुपया है। अरे रुको भाई अभी देती हूँ, मेरे पास छोटे पैसे भी हैं। 1 रुपये का नोट और 10-10 पैसों के 2 सिक्के हो गए 1 रुपया 20 पैसे। हाँ भाभी धन्यवाद। चलो सोसो अब मैं चलती हूँ, मुझे खेलते खेलते बहुत देर हो गई, मम्मी इंतजार कर रही होगी। ठीक है मुन्नी, पर कल तुम जरूर आना, अपन लोग कल भी खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ सोसो अब मैं चलती हूँ। सोसो बेटी खेल चुकी तुम, और मुन्नी कहाँ गई? माँ मुन्नी तो अपने घर गई, पर पता है माँ मुन्नी मेरी पक्की सहेली है, सबसे पक्की। अच्छा बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या तुम जानती हो कि अभी तो वो तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली है, पर जब तुम बड़ी हो जाओ तो दोस्ती को आजमाना चाहिए। माँ ये आजमाना क्या होता है और दोस्तों को कैसे आजमाना चाहिए? सोसो बेटी जो दोस्त मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा दोस्त होता है, और मुश्किल वक्त में जो दोस्त अपना मुंह छिपाकर भाग जाते हैं वो मतलबी दोस्त होते हैं। ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए और ऐसे दोस्तों से ज़्यादा दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, और कंजूस इंसान से कभी दोस्ती ना करो। मम्मी ये कंजूस क्या होता है? कंजूस वो शख्स होता है जो सिर्फ अपने ऊपर खर्च करता है दूसरों पर नहीं, और मुश्किल वक्त में कभी साथ नहीं देता। ठीक है माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी अपने दोस्तों को जरूर आजमाऊंगी। ठीक है बेटी। और इतने में सोसो की मौसी आ जाती। दीदी दीदी देखो मैं आ गई। सोसो कहाँ हो तुम लोग? अरे राधा तू तो बिना खैर खबर के ही आ गई, तूने तो बताया भी नहीं आने से पहले मेरी बहन, आजा आजा। अरे दीदी मुझे तो बहुत याद आ रही थी आपकी, आपने तो इतने दिन से हम लोगों की परवाह ही नहीं ली, इसलिए मैं खुद ही चली आई। अच्छा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, चल आजा मेरी बहन, खाना वाना खा ले जल्दी, आजा आराम कर ले थोड़ा। मौसी मौसी आप इतने दिनों में क्यों आई? अरे सोसो बेटी तेरी मम्मी नहीं आई तो मैं खुद ही आ गई, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। बहुत अच्छा किया मौसी आप आ गई, मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी। हाँ हाँ भाई अच्छी बात है ना, मेरी याद नहीं आएगी तो किसकी याद आएगी। काफ़ी देर इन लोगों की बातचीत होती है और फिर राधा जाने का कहती है। अच्छा दीदी अब मैं चलती हूँ, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई। अच्छा बहन फिर जल्द ही आना राधा राधा। हाँ हाँ दीदी मैं फिर आऊँगी, अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। राधा के जाने के बाद सोसो रजनी से कहती है, मामा क्या आपने
नहीं नहीं सोसो बेटा, रिश्तेदारों को नहीं आजमाते। रिश्तेदारों को आजमाओगे तो अकेले रह जाओगे। के माँ, मैं समझ गई। सिर्फ दोस्तों को आजमाना चाहिए, रिश्तेदारों को नहीं, वरना अकेले रह जाएंगे। तो देखा दोस्तों, आज सोसो ने सीखा कि रिश्तेदारों को नहीं दोस्तों को आजमाना चाहिए, और रिश्तेदारों को आजमाओगे तो अकेले रह जाओगे।